आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपकी गाड़ी को कोई और गाड़ी ठोक देती है और आपका गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, तो आप सामने वाले से लड़के झगड़ के आप अपना पूरी तरह से भरपाई करवा सकते हो, या फिर आपका जो इंश्योरेंस है वो आप क्लेम करा करके ले सकते हो, दो चीज़ें। लेकिन अगर मैं BST की बात करूँ, अगर BST ने आपकी गाड़ी को ठोक दिया है, सामने से ठोका है, तो कोई बात नहीं है, वो उसको भर के देना पड़ेगा। लेफ्ट राइट कहीं अगर उसने ठोका है, आप उससे चाहे जितनी बहस कर लो, चाहे जितना कुछ कर लो, आपका टोटल आपका ही नुकसान है, क्योंकि BST का जो सपोर्ट है वो सब करते हैं, आपके ऑटो रिक्शा कोई सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ तक कि जो BST में पैसेंजर बैठे हुए रहते, वो भी आकर के नहीं बोलेंगे कि तुमने ऑटो रिक्शा का नुकसान किया, उसका भरपाई करके दो, वो उल्टा आप बोलेंगे कि भाई तुम क्लेम करो, जाओ यहाँ। तो मैं आपको बता दूँ, जब तक आपकी पूरी तरह से गाड़ी डैमेज नहीं होती BST मित्रों, तब तक आपको कोई क्लेम नहीं पास होगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। बाकी लड़ोगे झगड़ोगे तो आप उल्टा फंस जाओगे, इसलिए कभी भी BST वालों से लड़ना झगड़ना मत, और कभी भी उनसे गाड़ी चिपका के मत चलो, गाड़ी उनसे दूर लेकर चलो। मेरा बताना ये है, क्योंकि मेरी भी गाड़ी BST वाले ने घिस डाला, रगड़ डाला, काफ़ी थोड़ा नुकसान हुआ, तो मैं पुलिस स्टेशन वगैरह दौड़ा, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। जो मेरे पे बीता है, जो मुझ पे एक्सपीरियंस मेरा है, वही मैं आपको दे रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि आपको लड़ना झगड़ना नहीं बिल्कुल, वरना आप पूरी तरह से लॉस में जाएंगे। तो अगर आपकी BST गाड़ी आपको ठोकती है, तो आपको सोच समझ के आपको कदम उठाना है। लड़ना झगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, आपका परिवार है, आपको चलाना है, आपको संभालना है, उनका क्या है, कुछ नहीं।